आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। इस दौरान सदन में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए सत्र में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 7 सालों से आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण वाली पत्रावली शासन में झूल रही है, सरकार इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले सीएम धामी को मैंने पत्र लिखा था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा सवाल यह है कि आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के मामले को गंभीरता से लें। जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई, रविंदर शहीद हुए थे रामपुर तिराहे पर, उम्र थी मात्र 19 साल। उनकी माताजी सिर्फ परिवार में, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनकी माता को आज तक भी आंदोलनकारी के जो कोटे से पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। 19 साल के बच्चे ने राज्य के लिए शहादत दी, आप उसके परिवार के लिए भी गंभीर नहीं है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को राज्य आंदोलनकारी के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए। हम फालतू की बातें करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब भी राज्य आंदोलनकारी की बात आती है हम उस पर कभी भी गंभीरता से सदन के अंदर चर्चा नहीं करते। ऐसा क्यों? आखिर जिस राज्य की स्थापना राज्य आंदोलनकारियों की शहादत से हुई, उनके बड़े बड़े संघर्षों से हुई, तो आखिर उनकी अनदेखी क्यों? मेरा राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप इन राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों को गंभीरता से लें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए मैं पहले सदन में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि महाराज इनके परिवार के पास जो जमीन है उसकी लीज आज तक ये परिवार नहीं करा पाया पिछले 40 सालों में, क्योंकि उस परिवार के पास लीज कराने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अगर माननीय मंत्री जी से हम किसी भी प्रकार की गंभीरता के लिए कहते हैं तो वो ऐसे मुद्दों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि महाराज आप सदन से बाहर लोगों के लिए हैं। मंत्री पद पर जब नहीं होंगे तब आप महाराज होंगे। अगर आप मंत्री पद पर हैं और विधानसभा में हैं तो आपको राज्य के हर व्यक्ति से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमलेबाजी छोड़कर काम शुरू करिए। लोगों का, जो लोग इस समय प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ देखिए। धन्यवाद।